बट एनी वेज यहाँ फ्लाइट निकल चुकी है और फ्लाइट ने पूरा अखा आइलैंड छोड़ दिया भाई साहब, और मिलिट्री को छूते हुए बीच में पानी पानी होते हुए बहते जा रहा है भाई। तो यहाँ पे अपने स्क्वाड्स ने ड्रॉप ले लिए, और देखना ये होगा कि कौन इस जोन में कहाँ की तरफ जाएगा। तो इस समय रीच में अगर हम बात करें तो लिपोप का बहुत रीचेबल है, मिल्टा पावर, मिल्टा मैंशन, प्रिजन, कोचिंग की भी पहुँच सकते हैं लोग, क्वेरी पेरी पेरी, मिलिट्री है ऑफ कोर्स, नोवो है। तो यहाँ पे किल शॉट जो है स्क्वाड 16 नोवो की तरफ निकलते हो, यहाँ फर्स्ट ब्लड तेरा पापा क्या था वो मिस कर गया। तो फर्स्ट ब्लड यहाँ पे हो चुका है, शायद बंदा नॉक था। तो कोचिंग की तरफ की स्क्वाड जाती हुई, काफी स्क्वाड जा रही है, कोचिंग की तरफ 1, 2, 3, 4, 5 स्क्वाड कोचिंग की तरफ 1 टीएमटी मिलिट्री बेस में। किल शॉट की स्क्वाड नोवो, वाइपर स्केल्टन जो कि मिल्टा पावर, और वाइपर सैम ने यहाँ पिक करा बंदा। सैम किधर है? नुमनाती, नुमनाती को एक्सपेक्टेड करते इसने अभी, नुमनाती नॉक है यहाँ पे। तो सामने है डीएक्स के बंदे और वाइपर सैम भाई, ये क्या है? वाइपर सैम ने, ओ बढ़िया, M249, M24। तो यहाँ पे डीएक्स के तीन बंदे नॉक है, डीएक्स स्नाइपर पैरों पर खड़े हैं और तीन किल निकाल चुके हैं अपने। तो ये बात थी, और यहाँ पे एक और तेरा, ये तो डीएक्स के इसमें। सेम लाइन जैसा कोचिंग की मिली, और कोचिंग की जैसा बताया था एक बार चेक करना है, लेकिन बैट्स हैं चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग सेक्सी ने नॉक दे दिया, पैड क्लाउन नॉक है यहाँ पे। तो ब्रो M4 के साथ करा भी, तो यहाँ पे भी जो बैट्स की स्क्वाड है थोड़ी सी स्प्लिट हो गई है, थोड़े दो बंदे लेफ्ट में, एक बंदा बिग हाउस वाले कंपाउंड में, और पीछे से कोबरा जाट और की स्क्वाड ने ये आवाजें सुन ली होंगी और किल फीड भी जरूर देखी होगी। तो यहाँ पे बैट क्लाउन को नॉक फिनिश दे दिया, स्मोक के करके शायद एग्जॉस्ट पार करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से बैकअप क्राई बेबी का, क्राई बेबी निकलेंगे अपने बंदे के पास, क्योंकि यहाँ पे बैट गुंडा अकेले होते। तो एजेक्स ने बिहारी थैनोस को नॉक पिक कराया, एजे ने बिहारी थैनोस को, या और ये सागर डाउन है, और शायद कृपा रिवाइव मिल जाएगा आराम से। पाइथन सोनू ने एफएल टेडी को पिक करा, तो एफएल स्क्वाड इधर यासे नापोलियाना में भी इंगेज होती हुई आपस में। 968 अपने ये यूजुअल ड्रॉप के हिसाब से यासे में बिग हाउसेस में, अपार्टमेंट सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग्स में। लेकिन हम वापस पोचिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पोचिंग की में थोड़ा सा क्लोज है मामला यार, ग्राफिक्स कर शर्मा रहे थोड़ा सा। तो क्राई बेबी ने शायद फॉल बैक लिया है थोड़ा सा पीछे से, क्योंकि कोबरा जाट का चार्जिंग आता हुआ, और जिनके AK-47 नॉक है। फिर ऐश ने हेमंत गेमर को पिक करा है, ओ 1 HP, शायद चार्जिंग करेंगे, नहीं
चेक कर रहे कि भाई दो ही हैं, कितने स्क्वाड हैं, दो बंदे स्पॉटेड। कोबरा जाट को रिवाइव, कोबरा जाट ने रिवाइव दे दिया है AK-47 को, और यहाँ भी नहीं, इनके फुटस्टेप पड़ लिए होंगे, क्राइम तुरंत कवर ढूंढते हैं। थ्रो व्हील्स का यूज कर रहे हैं अब, एक बार थ्रो व्हील्स के पाथ को इनेबल करें तो हम टोटल पूरा क्लोजली देख पाएंगे कि कहाँ पे नेट है कहाँ नहीं। तो कोबराज आउट जाट का यहाँ पे एक तरह से थोड़ा सैंडविच सिचुएशन, और क्राई बेबी ने स्पॉट कर लिया, ये कंफर्म होगा, क्राई बेबी का कंफर्म था ये, नो इजी पीजी शॉट। बट अब यहाँ पे क्राई बेबी जानते हैं कि इनका एक बंदा नॉक फिनिश, जो कि बैड क्लाउन को नॉक फिनिश दिया था यहाँ पे, रूथलेस नहीं है। यो ब्रेडिसन ने यहाँ इंडिकेट, यहाँ पे अभी थोड़ी सी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं भाई, शॉट एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे। हेमंत गेबर ने फियर क्लू को डाउन करा है, कॉल बैक लेना पेटरसन से, खतरनाक कॉल बैक था। तो रूथलेस वाइटी, ओपी वाइटी अभी भी ट्रिपल स्टोरी में कैंप कर रहे हैं, थोड़े से डिसंगेज हुए हैं और थोड़े से स्कैटर हुए हैं सो दैट एंगल क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे एक बैड गुंडा का फ्लैंक आता हुआ बिग हाउस के कंपाउंड से, क्राई बेबी और बैड एग्जॉसिस अभी भी रोड के पार वाले कंपाउंड में होल्ड कर रहे हैं। तो क्राई बेबी को यहाँ शॉट या तो मिलेगा या पार कर दे, नहीं समझदारी का दिशा, बहुत बढ़िया। इस चीज से, छोटी सी चीज से यहाँ पे ये रुका है और इसने देखा एक छोटी सी, उससे पता लगता है कि बंदा कितना मैच्योर गेम प्ले खेल रहा है, कोई गलती नहीं करना चाहते। सो यहाँ पे टीपीवी, एक तरह से टीपीवी वॉर होता हुआ पोचिंग की में, और यहाँ रूथलेस वाइटी को फुट साउंड आया है, गुंडा वापस सपोर्ट के लिए एक साथ, क्राई बेबी सामने, यहाँ पे ड्रॉप्स गिर चुके हैं मिलिट्री में। अच्छा ये इन्होंने फ्लेयर मंगाया, तो टीएमटी गाइस यहाँ मिलिट्री छोड़ते हैं, वापस एक बार कोचिंग की चलेंगे। तो रूथलेस वाइटी के साइड टैग हुए हैं यहाँ पे, जल्दी लोड हो भाई, बढ़िया एक्शन है। ओ एम्ब्रो ने वापस, एम्ब्रो ने वापस क्रे भाई भी को डाउन करा है। ओहो एम्ब्रो खतरनाक खेल रहा भाई, एक ऑलरेडी पहले बैट क्लाउन को नॉक फिनिश दे चुका है, क्राई बेबी अभी भी नॉक है यहाँ पे और बहुत जल्दी ब्लीड हो रहा है। ओ क्राई बेबी को खो चुके यहाँ पे एग्जॉस्ट मोर, पता है गुंडा दो बंदे बचे जाते हैं। एग्जॉस्ट ने एम्ब्रो सेक्सी को डाउन करा है, बहुत बढ़िया है, से हालात लगाए जाएंगे। और यहाँ से पिक करते हुए भाई साहब यहाँ पे बहुत बढ़िया रिवाइव हो जाएंगे, गुंडा वहां पे गुंडा ही सेविंग हार्ड टाइम, नीचे चार्जिंग
वेनम ओपी लास्ट बैट की पूजा करता है। बहुत अच्छा गेम प्ले, दोनों स्पॉट्स बहुत बढ़िया खेले हैं। एक बहुत ही अमेजिंग एंड मैच्योर गेम प्ले एग्जांपल देता हूं यहां पर, एम्ब्रोस एक्सी लूकास एक्सोसी बहुत बढ़िया खेला, एक दूसरे को नॉक कर, लेकिन अच्छा एक्शन था, बहुत जबरदस्त। तो जूम पहले करने को गामा गामा गाइस आ रहे हैं एक्शन में, यहां पे गामा गाइस आ रहे हैं। जूम के बाहर ही आसन में और सामने एफएल अकेले बचे, एफएल बेंजिन जोन से फाइट करते हुए इस समय तो परफेक्ट ने डीएमटी उपेंद्र को यहां पे पिक कर लिया है। ड्यूड परफेक्ट ने तुरंत हां ड्यूड परफेक्ट, नहीं 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 ब्रिज के पास पेट्रोल पंप पे एच के श्राउड डूड परफेक्ट के दो बन, डूड परफेक्ट अकेले बचे ना, और शायद स्क्वाड वाइप करते हुए यहाँ पे डूड परफेक्ट ने उनके साथ जिनके साथ जस्टिन को खो चुके हैं, केल शॉट डाउन है, रिवाइव हो रहे हैं अभी, फ्लैक्स अभी भी डाउन है, फ्लैक्स को भी रिवाइव इजी रिवाइव मिल जाएगा। डूड परफेक्ट तो यहाँ पे पूरी टीम के चार किल, तीन डूड परफेक्ट के किल शॉट के जीरो और फ्लैक्स वन। तो यहाँ पे शायद टीएमटी को वाइप ऑफ करते हुए नोवो के ब्रिज के पास डूड परफेक्ट इन स्पॉट, थोड़ा सा लेट हम पिच हुए कोचिंग की स्विच को, लेकिन एक्शन आई बाकी। तो इसका मतलब यहाँ पे दो स्पॉट्स तो मुझे अभी खतरनाक लग रही है, एक रूथलेस ओपी वाईटी जो कि अभी जोन के अंदर है, और एजेक्स की स्पॉट है काफी क्लोज है, लेकिन नहीं कोचिंग की निकल रहे रेड जोन के बीच। रियल बेबी अच्छा यहाँ पे थैनोस को फिनिश से हो चुका है, बीएल के यहाँ पे लीडर के साथ ब्रिज पे सामने से अभी डूड परफेक्ट इन स्क्वाड को आ रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। अभी तो भाई जश्न चल रहा है यहाँ लूट का, लेट्स सी कि ये निकलेंगे, क्योंकि जोन इस बार नोवो छोड़ देगा। अब बहुत हार्ड शिफ्ट अगर हुआ तभी मिलिट्री आ सकता है, अदरवाइज टेंटेटिव यही है कि जोन मिलिट्री का आइलैंड छोड़ देगा, नोवो को छोड़ देगा। तो यहाँ बीटीडी बीटीडी इन एक्शन, बीटीडी ड्रैगन, बीटीडी ड्रैगन ने बंदा नॉक करा, नहीं यहाँ भी खतरनाक। तो स्क्वाड 22 यहाँ पे हेल बाहुबली रिलैक्स बेबी को नॉक दिया है, तो 22 एंड रेज एंड बीटीडी, रेज रोमियो जिनके साथ बेबी है लेकिन बेबी नॉक्ड है, और रोमियो की तरफ से कोई अप्रोच लग नहीं रही अभी बेबी को रिवाइव देने की, तो शायद हो सकता है ब्लीड आउट कर जाएंगे। लेकिन वापस एक बार ब्रिज की तरफ, क्या डूड डूड परफेक्ट ब्रिज को भी यहाँ थोड़ा वेट प्रॉपर कटने का वेट कर रहा है, और यहाँ अगेन जिंदगी में एफएल यहाँ आते ही आकर कोचिंग गेम फंस गया। ओह बहुत गलत बात, बहुत गलत, रूथलेस वाइटी को दिया है एंड्रू, यार भाई अगर
एफएल भाई गलत, रेज रोमियो ने हेल बाहुबली को यहाँ पे पिक करा, रेज रोमियो अकेले थे। जोन चल चुका है और यहाँ पे शायद जबर। ऑन लोड हो भाई, ग्राफिक्स ट्वेंट सर। एक बहुत एक एपिक एक्शन हो सकते हैं क्योंकि सामने है टू परफेक्ट किल शॉट और फ्लैक्स जो कि अभी अभी एक स्कोर को वाइप करके जा रहे हैं सेलिब्रेट करते हुए, बट द हार्ड टाइम पैदल आ रहे हैं। कवर टू कवर, कवर टू कवर, परफेक्ट चेक करते हुए एम के हाथ में। गाड़ी चली देख लिए तो अब डाउट है कि भाई पंगा हो सकता है। परफेक्ट के एंगल से एक बार फ्लैक्स देखे, फ्लैक्स ने स्पॉट नहीं करा है लेकिन गाड़ी चली है तो शायद ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हाँ ब्रिज ब्लॉक हो सकता है। एंड मोर ओवर अभी ब्रिज जब जोन में है और बहुत स्क्वाड्स अभी यहाँ पे 35 अलाइव है ब्रदर, 12 टीमें अभी और जोन बेहद छोटा, 38 सेकंड में जोन। ये स्पॉट भी इंगेज हो सकती है बाइक से फ्यूल की शॉट आए। आज के लिए अपने को डाउन कराया है अभी एक फोर अपमल डाउन है यहाँ पे तो सामने एक ब्लेड है पानी है क्या वे ओ भाई मारो भाई फॉर्म में क्या है ये, क्या क्या बसड़ है भाई ये, दो स्क्वाड तो पूरी पूरी है और पीछे से यार तीसरी स्क्वाड स्काउटिंग। रूथलेस वाईटी है यहाँ पे, रूथलेस ओपी वाईटी अपनी एम्ब्रो सेक्स के साथ जो कि बहुत सेक्सी मूव्स के दे रहे हैं आज, जिस तरह से टिकट ले रहे हैं लग रहा है पूरा क्लियर है।
बहुत लो करा। हाँ, जिगल जिगल एंड जेडीएस के साथ टैप टैप, और इसके साथ एम्ब्रो सेक्सी ने गामा डैश को डाउन कराया। यहाँ पे डेमन फ्लैंकर ने गामा अर्चित को डाउन करा, तो यहाँ गामा की स्क्वाड के लिए थोड़ा सा टफ टाइम, थोड़ा सा अंदर जाएंगे फाइट में। अरे कहाँ अंदर, जमीन के अंदर नहीं भाई फाइट में। तो यहाँ पे मॉन्स्टर डेविल नॉक थे, लेकिन डेमन फ्लैंकर गामा सेठ, ओ आस किलर को नॉक फिनिश करा गामा सेठ ने। सो सेठ जी, सेठ जी यहाँ भाई गुस्से में, रे सोनिक ने डेमन, ओ हो, ये पीछे से रूथलेस की स्क्वाड को पीछे से रेस के बंदे जोन के अंदर से, बहुत खतरनाक भाई ये, अब खतरनाक, ये खतरनाक। यहाँ पे गामा सेट ने मॉन्स्टर डेविल को दोबारा पिक करा है, और डेमन फ्लैंकर को भी, ओ हो, स्केल्टन को, वाइपर को भी डाउन करा था। और यहाँ छाया चार दिन आता हुआ दो दूसरी स्क्वाड नंबर 10 का, तो भाई फटाक से एक बार ऊपर चले जाए कैमरे में, देख ले सबको कौन कहाँ पे। तो यहाँ पे गामा डैश को याद ना, किल चोरी होगा यहाँ पे, एजेक ने गामा डैश को फिनिश कर दिया। तो ये प्रॉपर एक तरह से थर्ड पार्टी होती हुई गामा के साथ। तो गामा सेठ सेठ जी का यहाँ पे सैंडविच है इस समय, मॉन्स्टर डेविल की डेमन फ्लैंकर सामने से, बादशाह ने इधर ब्रिज पे ड्यूड परफेक्ट को नॉक दे दिया है। तो यहाँ पे भी खतरनाक बीआरबी लीडर बादशाह ने ड्यूड परफेक्ट को नॉक फिनिश कर दिया, बीआरबी लीडर ने किल शॉट को डाउन करा है। तो ये खतरनाक हुआ भाई यहाँ पे अभी। ओ बादशाह भाई, गुड, एवरीथिंग नो हेट्स, एंजॉय द गेम भाई, अच्छा खेले तो सेलिब्रेट बनता है, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे बंदों के साथ खेले। आई होप कि यहाँ पे दे वुड हैव गॉट अ टफ टाइम फ्रॉम डूड परफेक्ट। तो वापस एक बार हम जोन के बाहर फार्म की तरफ चलेंगे, जहां रूथलेस वाइटी एजेक्स ने गामा सेट, तो यहाँ पे गामा स्क्वाड फिनिश होती हुई। तो अब एजेक्स के सामने है A4 अकमल के सामने रूथलेस की स्क्वाड, जो कि खतरनाक है। जोन के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग इन्होंने कर दिया यहाँ पे रेज ने, रेज एगर एंड सोनिक यहाँ पे कार 98 के साथ, और सोनिक को देखेंगे तो सोनिक M4 के साथ। तो भाई जोन के अंदर किल को पिक कर लिया है गाड़ी से अकेले निकले थे, लेकिन बहुत बढ़िया स्प्रे M4 3S का, लेकिन पीछे से बग्गी से चाइल्ड निकले। ये खतरनाक बाहर है, जोन से बाहर नहीं, जोन से बाहर नहीं। तो भाई वो फटाफट कमेंट भी चेक करेंगे, बात चैट भाई चैट पे जबरदस्त इस समय। अरे भाई हम चैट देखने के चक्कर में बंदे निकल गए। तो क्रेकन अपनी एजेक्स और अकमल अपनी स्क्वाड के साथ, गाड़ी है सामने इनके पास, जोन के बिल्कुल ऑलमोस्ट अंदर है HP, लेकिन सामने रेज और यहाँ पे एम्ब्रो सेक्सी, जो कि रूथलेस वाइडी को खो चुके हैं। बीआरबी लीडर बादशाह पीछे से जबर जबर, ये दोबारा वापस बहुत खतरनाक एक्शन एक तरह से हो सकता है इधर पे, तो क्योंकि दोनों अभी यहाँ बादशाह ने और बीआरबी लीडर ने डूड परफेक्ट इन किल शॉट की स्क्वाड को फिनिश करा था, ट्राई हो रह गया था उनको उसको फिनिश करा था। बहुत इंटरेस्टिंग गेम, इस बात से रिलैक्स है, शायद कोई गलती नहीं की, हम मैट्रिक्स ने पिक कर लिया हम ग्रे सोनिक को। के पास खतरनाक चीज, क्या 4 दिन दे रहे, 4 दिन, 4 दिन आ रहा है शायद, 4 दिन आ रहा है बीटीडी के ऊपर, नहीं
कंपाउंड में जोन के लिए, क्योंकि 33 सेकेंड है, बहुत बढ़िया। दो बंदे अंदर, दो बंदे पीछे से कवर। यहाँ अरे पहुंच गए, कंपाउंड में पहुंच चुके हैं। वेनम नीचे, वेनम ओपी को कर लिया शायद केजे ने, और यहाँ पे वेनम ओपी ना भाई ऑलमोस्ट फिनिश शॉट्स थे ये तो रूथलेस। और वेनम तो ओपी की टीम के लिए एम्ब्रोस सेक्सी इज नॉट प्रिपेयर अभी का हार्ड टाइम। दो बंदे नौ पे शायद, यहाँ पे चार्ज दो, फिनिश 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 यार, बहुत बढ़िया भाई क्रैकन का और एजे बहुत हार्ड यहाँ पे। तो रूथलेस वाइडी की स्पॉट को यहाँ फिनिश करते हुए रेज एगर सोनिक के साथ अकेले निकले। यहाँ बीआरबी बादशाह जीजा जी की स्पॉट सामने, सीआर ठाकुर यहाँ थ्रोबेल्स का यूज करते हुए बीआरबी लीडर। एक और नेट और सागर ने स्पॉट कर लिया, और यहाँ पे अगला नेट आ सकता है। सागर को लेट करा है, लेकिन सागर चांसेस लेते हुए ओपन में आते हुए और शॉट लेते हुए बीआरबी लीडर के ऊपर। अगेन थ्रो बिल्स बादशाह की तरफ से, पीछे से है मैट्रिक्स, जीजा जी पीछे मैट्रिक्स, जीजा साले का साथ निभा रहे हैं बिल्कुल, एकदम आगे पीछे चल रहे हैं। बीटीडी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, बीटीडी यहाँ आ चुके हैं एक्शन में। तो हेल बाहुबली को खोने के बाद शक्तिमान बीटीडी सिग्मा ड्रैगन भाई लास्ट सर्कल्स की फाइट में अपनी प्रेजेंस को मार्क करते हुए यहाँ बीटीडी, लेकिन जोन की एज में अभी जोन के अंदर जाना बाकी है। तो काफी क्लोज, 6 टीमें 17 लाइव, जोन पूरा पूरा ब्रिज के पास, बिल्डा के पीछे, और यहाँ कुछ तो कुछ एक्सचेंजेस ऑफ शॉट्स। तो यार रेड बैंक ने बीआरबी लीडर को पिक कर लिया, बीआरबी लीडर को पिक कर लिया, तो देखना होगा बादशाह किस तरह से वेट कर रहे हैं टीममेट्स के अंदर आने के लिए। डेड मैक्स यहाँ पे चार्जिंग बहुत धीरे कर रहे हैं, लेकिन ये करना मुश्किल है, इतना धीरे में बंदा खड़ा हो जाएगा और ले जाएगा। ओ पूजा जी यहाँ पे डाउन थे, ओ ये भाई बीआरबी लीडर ने, बीआरबी लीडर यहाँ बहुत कंसोलिडेटेड होल्ड कराते हुए रिवाइव हो चुके हैं। यहाँ टीम क्रेकन ने यहाँ पे नॉक दिया है, योप ब्रैडी ड्रू को नॉक कर चुका है सन सामने से, क्या कवर दे रे सोनिक यहाँ पे पीछे। तो यहाँ पे बीआरबी लीडर को वापस सागर ने पिक करा, वापस एक बार यहाँ पे बुक करेंगे सागर को, लेकिन फिनिश कर चुके हैं सागर को, फिनिश कर चुके हैं शायद ये बादशाह होंगे। तो यहाँ बीआरबी लीडर को वापस रिवाइव मिल जाएगा, काफी लकी है और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ चैट होल्ड करवा रहे हैं इसी स्टेज को। तो यहाँ पे टेड मैक्स जो कि बहुत नॉक कर रहा था बंदा, चार्जिंग कर रहे थे, 3 बंदे खो चुके हैं यहाँ पे। तब तक इधर रे सोनिक इज भाई, दिस इज फाइटिंग स्पिरिट। आखिरी वैसे भी 2v4 था, 2 बंदे डैगर को खो चुके हैं स्मोक करके, प्रोन जोन के अंदर आने की कोशिश, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स और जानते हैं कि एक बंदा बाहर है। क्या 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 हो गया भाई, मैट्रिक्स 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 भाई कुछ हो गया भाई। मैट्रिक्स भाई जरूर पूछे कि भाई कमेंट में जरूर बताना क्या हो गया था, ऊपर क्या देख रहे थे। ओहो अजय ने यहाँ बीआरबी लीडर को दे दिया है फटका, तो क्या चार्जिन आएगा यहाँ से। बहुत लोग, अगर एक नेट आया और यहाँ फिनिश, तुरंत देखते हैं कि क्या थ्रो भी उसका यूज होने वाला है। नहीं, लेकिन रेंज फाइट है, रेंज फाइट है। जोन स्वीप करता हुआ ये छोड़ देगा शायद, यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं लीडर, हेल्थ किट भी लग जाएगी 2 वीक में। नहीं, ये बहुत, तो जोन से बादशाह और
लीडर फिनिश होते हुए। बहुत बढ़िया किल नहीं दिया किसी को भाई, मैट्रिक्स को और एजे को, एजे ने बहुत बढ़िया पार्टी से मारा था। तो अगेन यहाँ पे दो टीमें सिचुएशन, और जानते हैं एजे ए फोर कैपिटल टीम क्रेटन के स्क्वाड बहुत बेनिफिट में, सब प्रॉपर जोन के अंदर है। बीजीडी गाइस दे आर क्रॉलिंग अक्रॉस द लाइंस, लिटरली क्रॉलिंग भाई, सरवाइव सरवाइव। शायद यहां मैट में से कुछ ले सकती मान लो मैट, यहां पे सिग्मा कवर फायर आया, सिग्मा कवर फायर आया, लेकिन शक्तिमान को पिक भी कर ले तो यहाँ पे 2v4 होता हुआ, तो वे स्मोक करते हैं। जानते हैं 18 सेकंड में जोन श्रिंक करेगा और देन बहुत टफ, अगर ये क्लच यहाँ से आता है बीटीडी का तो ये बहुत जबरदस्त क्लच होगा। लेकिन टीम 10 भी बहुत बढ़िया खेली है अभी तक, अमेजिंग गेम प्ले दिखाया हमने। तो यहाँ पे ये एक बार टीम क्रैकन यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे जो ब्रिज पे था बादशाह का, थैनोस का ड्यूक परफेक्ट की स्क्वाड के साथ, ड्यूक परफेक्ट का जो यहाँ पेट्रोल रूम पे था, देन बीआरबी लीडर एंड बादशाह ब्रिज के पास ब्लू हाउस पे ट्रिपल स्टोरी में, माय गुडनेस। ट्रैक बच की स्क्वाड एम्ब्रोस एक्सियन जैसा एक टाइप की नहीं, रेज ट्राइड हार्ड बट, लेकिन मैटर करता है मुर्गा किसने खाया, और मुर्गा भाई बहुत इज्जत से खाया, 5-3-8-8-7-15-15 16 किल निकाले हैं ब्रदर्स, 16 किल इसको विन करे जा रहे हैं, 16 किल निकाल, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। लास्ट में बीटीडी के दो बंदे थे सिग्मा और ड्रैगन, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया, लेकिन फाइट दिया भाई, तो बहुत जबरदस्त एक्शन के साथ विल टेक अ लीव गाइस, बहुत अमेजिंग गेम प्ले, देखने में इतना मजा आया था, आई मीन खेलने में तो बहुत मजा आया था। सो गाइस विद द गुड फीलिंग्स नो हार्डशिप, बढ़िया गेम प्ले, एक दूसरे को पिक करेंगे तो गेम प्ले इंप्रूव होगा, सीखेंगे एक दूसरे से। सो गाइस एक बार फाइनली जाते वक्त एक सिंसियर रिक्वेस्ट, स्ट्रीम को लाइक और अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, एंड गाइस डू वॉच दिस स्ट्रीम। सो इट्स टाइम टू टेक लीव, गुड नाइट, टेक केयर।